हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है। एक्चुअली मैं बाहर था दिल्ली में, तो अब मैं अपने काम से वापस आ रहा हूँ। तो सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, टाइम नहीं मिल रहा, काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। तो आज का टॉपिक, जैसे आपने देख लिया कि पढ़ लिया होगा कि आपको हर एक दो महीने बाद नए फ़ोन रिलीज़ हो रहे हैं, M31 की बात करने वाला हूँ कि हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि M31 लॉन्च होने वाला है। और ठीक है, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लेकिन इससे बेसिकली कंपनीज अपना फ़ायदा के लिए लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब आप चाह सोच रहे हैं कि M31 के लिए वेट किया जाए और M30S को ना लिया जाए, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अपना सुझाव बता रहा हूँ। तो बात कर रहे थे हम M31 की, कि M31 लेना चाहिए या नहीं। तो जो भी लोग सोच रहे हैं M31 को लेने का, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि कंपनीज अब एक ही गेम खेल रही हैं। हर महीने नए फोन्स लॉन्च हो जाते हैं, नए मॉडल्स लॉन्च हो जाते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ कि M30S ही लेना चाहिए, क्योंकि M31 और M30S में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप उसके लिए वेट करेंगे और जब वो लॉन्च होगा, डेफिनेटली M30S का रेट थोड़ा कम हो जाएगा और M31 जो है थोड़े हायर रेट पे लॉन्च होगा। तो इससे होगा क्या, इससे बेसिकली ये होने वाला है, आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे और ज़्यादा पैसे भर के आपको आउटपुट उतनी अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनीज ऐसे कस्टमर्स को पागल बना रही हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं M30S को छोड़ के M31 लिया जाए और वेट की जाए, तो प्लीज़ ये आप मत सोचें, ये आपकी सोच जो है सही नहीं है। तो मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि आप M30S ले लें, और अगर आप चाहते हैं M30S को बहुत ही अच्छे रेट पे लेने के लिए, तो M31 का लॉन्च होने का वेट करें, क्योंकि जैसे ही वो लॉन्च होगा M30S का प्राइस थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और इकोनॉमिक हो जाएगा, और कम पैसे में वही लाभ जो मैंने आपको दिए हैं। अगर आप नए चैनल पर, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा हम लाते हैं टेक जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आप प्लीज़ M31 के लिए वेट मत करें। कंपनी लोगों को, कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स दिखाकर पागल बना रही है। उसमें होना क्या वाला है, सिर्फ एक हल्का सा कैमरे का इम्प्रूवमेंट, एक हल्का सा छेद और लगा दिया जाएगा, शायद इसमें 3 है तो उसमें 4 आ जाएंगे। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, मेरे चैनल के साथ बने रहे, तो जैसे वो लॉन्च होगा तो आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। पर जो मेरा अनुमान है, और अनुमान ही नहीं, काफ़ी कन्फर्म्ड है ये मेरा हिसाब से, कि आपको ज़्यादा फ़ायदा कतई नहीं होने वाला है अगर आप M31 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि M31 और M30 में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मात्र एक कैमरे का फ़र्क होगा, 6000 mAh की बैटरी है, फ्रेम सेम रहेगा, डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कैमरे में थोड़ी इंप्रूवमेंट की गई है, थोड़ा फ्रंट कैमरे में कहा गया। और मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी काफ़ी बार कि कैमरा इसका ओके है, इतने बजट में इतना ही कैमरा आपको कैपेबिलिटी दे सकता है, क्योंकि सारा कैमरे इसकी जो फ़ोन में कैमराज होते हैं उसका जो बेसिकली परफॉर्मेंस है, वो UI मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और सॉफ्टवेयर के पैसे हैं। जितना अच्छा, जितना बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा, उतना महंगा फ़ोन हो जाएगा और उतना बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पिक्सल के पीछे मत जाएं कैमराज में, सॉफ्टवेयर के पीछे जाएं। तो अगर आप मिड रेंज में बैठे हैं और मिड रेंज का फ़ोन लेना चाहते हैं, तो M30 को कतई मत ही आगे, क्योंकि M30 आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा कम से कम दाम में। तो इस वीडियो का मैसेज यही है कि आप कंफ्यूज ना हो, M31 आपको कुछ ज़्यादा नहीं देने वाला, तो उसके लिए वेट मत करें। हाँ, एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं M30S को और अच्छे पॉइंट पर लेने के लिए, बहुत अच्छे प्राइस पर लेने के लिए, तो आप वेट कर सकते हैं सॉरी क्योंकि तब जब वो लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली M30S का रेट थोड़ा और कम हो जाएगा, और M30S की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, कोई नेटवर्क का इशू नहीं है। अगर आपके पास M30S है, तो प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, और M31 के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर लिखिए। तो ये था आज का वीडियो। अब मैं ड्राइव करते हुए बना रहा हूँ, वैसे बनाना चाहिए बट अब टाइम की कमी रहती है, तो कुछ वीडियो मेरे इस तरह आया करेंगे जैसे कोई अपडेट आएगी। और ड्रोन्स के लिए भी नए ड्रोन्स लॉन्च होने वाले, ड्रोन लवर्स भी नाराज़ मत हों, जल्द ही न्यू ड्रोन्स के साथ न्यू ड्रोन्स वीडियोस आपके सामने लाएंगे, और
हो सकता है ड्रोन शॉट्स भी, क्योंकि अब मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहाँ पर बहुत अच्छी सीनरी आती हैं और वहाँ पर ड्रोन शॉट्स लेने का दिल करता है मेरा। तो आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो अब तक सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो। तो लास्ट में समरी कर देता हूँ कि M31 के लिए वेट नहीं करना है, M30S ही बेस्ट फोन है अभी तक। और अगर आप सिर्फ एक ही सिनेरियो में आपको कहूँगा कि वेट करें, वो ये कि जब M31 लॉन्च हो जाए तब आपका M30S का प्राइस और अच्छा हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे आपको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त अंशु मल्होत्रा, डॉक्टर अंशु मल्होत्रा लिविंग नाउ, और होप आपको मैसेज मिल गया होगा। एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों का गैप पड़ गया, मैं दिल्ली गया हुआ था। अगर आप चाहते हैं दिल्ली का व्लॉग जो मैंने शूट किया है, वीडियोस बहुत बढ़िया बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो व्लॉग मेरा देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तब मैं उसको एडिट करके डालूंगा। क्योंकि मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अगर डिमांड आई तो मैं डाल दूंगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लिखें। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।